नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती वाले यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की एक नई शानदार वैरायटी की, जिसका साल 2021 में आइडेंटिफिकेशन हुआ है। भाइयों, हम काफ़ी समय से श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की रिसर्च वैरायटी श्रीराम सुपर 303 की बुवाई करते आ रहे हैं, जिससे हमें बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। इसी कंपनी के द्वारा एक नई वैरायटी को नोटिफाइड किया गया है। यह वैरायटी है श्रीराम सुपर 5SR05। यह वैरायटी श्रीराम सुपर 303 से एक पायदान ऊपर है। भाई, अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। यह वैरायटी हीट टॉलरेंट वैरायटी है, यानी फसल के पकने के समय जो गर्म पछुआ हवाएं चलती हैं, जिससे गेहूं का दाना पिचक जाता है या कुछ बालियों में दाने नहीं बनते, उसके प्रति यह वैरायटी सहनशील है। दूसरा, गेहूं में जो पीला रतुआ रोग आता है, जिसमें गेहूं की पत्तियों पर पीले रंग की धारियां दिखाई देती हैं, वो दिक्कत भी इस वैरायटी में नहीं आती है। इसमें कल्लों की संख्या अन्य वैरायटियों के मुकाबले ज़्यादा होती है। इसके पौधे की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो 90 से 95 सेंटीमीटर के बीच रहती है। कम ऊंचाई होने के कारण इसमें गिरने की शिकायत नहीं आती है। इसकी बाली की अगर हम बात करें तो इसकी बाली वजनदार और लंबी होती है। इसकी बाली की जो लंबाई है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। साथ ही इसकी एक बाली में 75 से 80 दाने होते हैं। इसके 1000 दानों का वजन लगभग 48 ग्राम होता है। गेहूं की ये वैरायटी पकने में लगभग 125 से 130 दिन का समय है वो लेती है। आपकी जलवायु के हिसाब से पकने का समय 5 से 10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। बात कर लेते हैं इसकी औसत पैदावार की। इसकी औसत पैदावार लगभग 26 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक रहती है। अब बात कर लेते हैं इसकी बुवाई के समय की। यह एक मध्यम समय में पकने वाली गेहूं की वैरायटी है, इसलिए इसकी बिजाई आप 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक कर सकते हैं। यह वैरायटी समय पर और लेट बिजाई दोनों के लिए उपयुक्त है। अगर आप इसकी बुवाई नवंबर के महीने में करते हैं तो ये वैरायटी सबसे अधिक पैदावार निकाल करके हमें देती है। भाइयों, आप अपने थोड़े खेत में इसे जरूर आजमाएं, बहुत शानदार वैरायटी ये रहती है। किसान भाइयों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।